सो यार अभी अभी मतलब सामान कुछ खत्म हो गया घर का, तो लेने जा रहे हैं मार्केट में। मार्केट जो है यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर है, जो मेन मार्केट है। वैसे तो लोकल सामान भी यहाँ पे मिल ही जाता है, करीब 800-900 मीटर की दूरी पे दुकानें हैं 2-4। बट कुछ ज्यादा अगर आपको सामान चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए, तो फिर 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि यार जैसे हम घर से नीचे उतरते हैं तो मार्केट हमें मिल जाती है 50-100 मीटर की दूरी पर, बट यहाँ गाँव में ऐसा सीन नहीं होता। गाँव में थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है आपको। तो फादर से चले जाएंगे अभी, पापा लोटू, जो कल हमने आपको दूसरे वीडियो में भी दिखाया था, तो उनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और हम लोग आके जो है फिर निकल जाएंगे नैन पोखर की तरफ। तो पहले जो था हम लोग सीधे निकल जाते थे नैन पोखर के लिए, तो अभी क्या है, अभी हम दूसरा रूट पकड़ेंगे, ये लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, ये हमें ले जाएगा बगले से होता हुआ, तो इससे क्या ढलियारा हमें पास में पड़ेगा। मोड़ने में यहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि काफी जो है ना बड़ा मोड़ है, तो गाड़ी पीछे करके ही दोबारा मोड़नी पड़ती है। तो आप देख सकते हो कि गांव, हिमाचल के गांव में भी काफी अच्छे अच्छे रोड बनाए हुए हैं। तो यहाँ से जो ढलियारा की मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है, और लगभग ये भी होगी 800-900 मीटर के आसपास तो होगी। साइड में दोनों तरफ जो है वो आपको दुकानें दुकानें देखेंगी। यहाँ पे मक्की का आटा मिलेगा। चलिए मक्की का आटा ले लेते हैं इस दुकान से, बहुत पुरानी दुकान है, कम से कम 35-40 साल पुरानी होगी। शक्ल भी देख सकते हो इसकी, जो बनावट है वो भी काफी पुरानी है, इन्होंने इसको इम्प्रूव ही नहीं करा अभी तक। तो ये ढलियारा का कॉलेज सामने आप देख सकते हो, और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट वो ढलियारा कॉलेज के, ये देख सकते हैं गया रास्ता सीधा ढलियारा कॉलेज के लिए। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे है कॉलेज। सीधा रास्ता जो है ये चला जाएगा धर्मशाला कांगड़ा की तरफ, और आगे जाके एक चौक आता है, टी पॉइंट आता है एक्चुअली, और टी पॉइंट से अगर आप राइट की तरफ लोगे तो वो बरागपुर पड़ती है एक जगह, काफ़ी फेमस है, हेरिटेज विलेज बोलते हैं उसको। तो अभी हम जो है वो सामान लेंगे कुछ यहाँ से, इन शॉप से जो आप राइट साइड में देख रहे होगे, तो गाड़ी में पार्क कर देता हूँ और सामान खरीद लेते हैं हम। लेके हम लोग निकल चुके हैं नैन पोखर से, लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगा हमें यहाँ पे, तो घर पहुँचने में भी अभी मुझे लग रहा है कि 20 मिनट के आसपास लग ही जाएंगे। तो चलिए रास्ते में कुछ आपको और चीज़ें दिखाते हैं, वैसे कुछ खास नहीं है इस रास्ते से, अभी मैं लेट भी हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो फिर मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा घर। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक डैम पोंग दिखाता, मैं पोंग नहीं क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं ये बगल में जो था तालाब दिखाता, हाँ तालाब दिखाते, तालाब में ना बहुत सारी मछलियाँ हैं, जब भी हम इनको बिस्किट डालते हैं तो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है, झुंड बन जाता है उनका, तो वो दिखाता आपको। बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे वो चीज़ आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।